एक बार फिर पाकिस्तान की घिनौनी करतूत का वीडियो सामने आया है। पाकिस्तानी जेल में यातना से सताए भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव का एक वीडियो आज जारी हुआ। वीडियो पाकिस्तान की उस सेना का है जो खुद आतंक को पालती पोसती है। जेल में बंद जाधव से जबरदस्ती कुछ बातें कबूलवाई गई हैं। कई कैमरों से शूट किए गए इस वीडियो में खामियां ही खामियां हैं, झूठ ही झूठ हैं। I'm Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I'm a commissioned officer in the Indian Navy for basic intelligence gathering on naval installations. The raw officials that started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over. जबरदस्ती बुलवाए गए इन झूठे बयानों के आधार पर पाकिस्तान ने एक बार फिर कुलभूषण जाधव मामले में अपना झूठा प्रोपेगेंडा चलाया है। कुलभूषण पर पाकिस्तान की ओर से ये दूसरा वीडियो है जिसे पाकिस्तान की सेना कुलभूषण का कबूल नामा बता रही है। आई फील वेरी अशेम्ड एंड आई जेन्युइनली सीक पार्डन of the acts and sins and crimes I've committed here. पाकिस्तान के इस झूठे वीडियो की परत दर परत खोलेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कुलभूषण का पूरा मामला है क्या। मुंबई के रहने वाले कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर हैं। नौसेना से हटने के बाद कुलभूषण जाधव अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ लिया। पाकिस्तान का झूठा दावा है कि उसने कुलभूषण को बलूचिस्तान में जासूसी करते पकड़ा, जबकि भारतीय सरकार के मुताबिक कुलभूषण ईरान में था। भारत के इस बयान का समर्थन जर्मनी के एक पूर्व राजनयिक ने भी किया है। यही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने बिना सबूत और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई। पाकिस्तान की सेना से जारी किया गया वीडियो 9 मिनट 50 सेकंड का है। इस वीडियो में हर दो लाइनों के बाद कट दिखते हैं, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश की गई हो। आपको यहां बता दें कि कुलभूषण का पुराना यानी पहला वीडियो 6 मिनट का था और उसमें 100 से ज्यादा कट थे। पाकिस्तान के झूठ के इस वीडियो में एक नई बात है। पूरे वीडियो को कई कैमरों से शूट किया गया है। बीच बीच में वीडियो एडिटिंग छिपाने के लिए कुछ अलग विजुअल लगाए गए हैं। वीडियो को देखकर एक बात और साफ होती है, कुलभूषण जैसे किसी टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ रहे हैं। दर्शकों के लिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए बोलने वाले को स्क्रिप्ट दी जाती है। ये कैमरे के ठीक ऊपर लगा होता है। देखने में लगता है कि शख्स कैमरे को देखकर बोल रहा है, जबकि वो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ता है। यानी पाकिस्तान की सेना ने कुलभूषण को जो लिख कर दिया वो उन्हें मजबूरी में पढ़ना पड़ा। वीडियो में एक बात और गौर करने वाली है। कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को एक दया याचिका भेजी है। इस याचिका में जो बयान कुलभूषण ने दिए हुबहू वही बातें इस वीडियो में हैं। यानी जैसे दया याचिका को ही पाकिस्तान ने जबरदस्ती पढ़वा दिया और उसे नाम कबूलनामा दे दिया। जाधव के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है आपको बता दें कि जाधव का मामला हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये साबित ना हो कि कुलभूषण जासूस है, उसे सजा ना दी जाए। यही नहीं, कोर्ट ने पाकिस्तान को सुनवाई के दौरान कुलभूषण का झूठा कबूलनामा वीडियो दिखाने से मना कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक बार फिर दूसरा झूठा वीडियो जारी कर दिया है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।